से पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली हाजिरी है इधर आपके दरमियान, तो माशाल्लाह बड़े मोहब्बत और ज़ौक से आप सुन रहे थे। अल्लाह ताला आपको ज़ौक सलामत रखे। बहुत खूबसूरत कलाम अहमद अली आकम साहब का है जो मैं पेश करना चाह रहा हूँ, तो जो शेर आपको अच्छा लग जाए माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो एक बार मोहब्बत से रोज़े पाक पढ़ लें इस अकीदे से कि हम इधर पढ़ रहे हैं और हमारे मेरे और आपके आका जी सुन रहे हैं। जब कोई उम्रा हज करने के लिए मदीना जाता है
तो जब वो वापस आने लगता है, उसका वीजा खत्म हो जाता है या टाइम हो जाता है, तो उसकी क्या दिल की तड़प होती है और वो क्या चार होता है और वो क्या कहते हैं कि जूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहीं यूं वाका, जूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहीं यूं वाका, लौटे आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले, लौट आओ आओ आओ, लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले। और हमारा अकीदा के हजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, तो काबिले तो जो है कि जेरे मदफन भी तेरी दीद से पाया है सकून, जेरे मदफन भी तेरी दीद तेरा एहसान है कब्र में आने वाले, तेरा एहसान है कब्र में वाले। और जो जो एहसान मान चुके हैं उनके लिए भाई पेश करता हूं कि तेरी दीद लई मौत नु गल लाया, तेरी दीद लई मौत नु गल लाया, वड्डा जिगरा कड के आए होयां, तेरे मिलन दी खातिर सावां दा रस्सा सोणिया वड के आए होयां, तेरे नाम दे चंडे ऐ हाकिम थां थां ते गड़ के आए होयां, इक तेरी खातिर महबूबा उसे लगदे छड़ के आए होयां, तेरा एहसान है कब्र में आने वाले, आने वाले तेरा एहसान है कब्र में आने वाले। पेश कर रहा हूं शहंशाह कर्बला के, दोनों आलम में कोई आप सकारी ही नहीं, कारी ही नहीं कारी, दोनों आलम में कोई आप सकारी नहीं, लौके निज़ा पे कुरान सुनाने वाले, लौके निज़ा पे कुरान सुनाने वाले, दिल में दो जख खौफ नहीं ऐ हाकिम, आ गए मुझ को जहन्नुम से बचाने वाला।
को जहन्नुम से बचाने।